सिलीगुड़ी हिमालय की तराई में बसा एक सुंदर आकर्षक एवं लुभावना शहर, मगर आज अत्यंत ही दुख एवं खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि वर्तमान समय में सिलीगुड़ी शहर वायु तथा ध्वनि प्रदूषण में सबसे अग्रगण्य है। प्रदूषण का सबसे घातक प्रभाव विद्यार्थी, बच्चों, बूढ़ों, गर्भवती नारियों एवं भाग दौड़ करने वाले इंसानों पर सर्वाधिक पड़ता है। वायु और ध्वनि प्रदूषणों का सबसे मुख्य कारण सिटी ऑटो, बस, ट्रक एवं बदहाल स्कूटर एवं मोटरसाइकिलें हैं। तो आइए सुनते हैं शहर के जाने माने चिकित्सक श्री गोपाल खेमका जी से कि इस विषय में उनका क्या कहना है। एक एक घर में चार चार पांच पांच गाड़ियां होने से इसके कारण पोल्यूशन बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सबका डाइट डिनाइट बहुत फर्क है हमारे पीने के पानी में, हमारे सांस लेने में, सांस का कष्ट हो जाना, धीरे धीरे ब्रोंकियल अस्थमा हो जाना, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी, ये सब हो जाना, ये सब काफ़ी हमारे सिलीगुड़ी खासकर शहर में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जबकि यहाँ का वातावरण इसके अपोजिट है, मतलब यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, ग्रीनरी हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन हम उल्टा बैक जा रहे हैं, हमारा पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके डायरेक्ट प्रभाव हम पे पड़ना ही है, हम पे पड़ना है, प्रेग्नेंट मदर्स पे पड़ना है, उनसे होने वाले बच्चों पे पड़ना है, वो सब दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है। अभी हम लोग एक्वाई की बात करें तो एक्वाई जो लेवल है वो हमारा सिलीगुड़ी का कई टाउन से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर मैं यूपी, फरीदाबाद ये सब की बात अगर करें तो उससे भी थोड़ा सा दिल्ली, तो थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ता जा रहा है, जिसपे हम लोग को एक फोकस करना बहुत ज़रूरत है, और वो कंट्रोल करना हमारे ही हाथ में है, हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ को। उसके लिए हम लोग अब आज जो हमारे डेली जो गाड़ी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर उनको हम लोग ग्रीनरी लेवल पे अगर लाके देखें, अगर उनको इलेक्ट्रिसिटी पे हम लोग अगर कन्वर्ट करें, अगर हम लोग तीन पहिए जैसे टोटो वगैरह जो चल रहे हैं उनमें बैटरी यूज़ हो रहा है, वो काफ़ी अच्छा है हमारे लिए, जिससे पॉल्यूशन लेवल काफ़ी कम होगा। स्कूटर है, बाइक्स हैं, अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रिक बाइक करने का अगर उसकी तरफ अगर हम लोग सोचें तो डेफिनेटली पॉल्यूशन लेवल काफ़ी कम होगा। अगर हम वास्तव में इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें खुद प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक दो और तीन पहिए वाहनों का सहारा लेना होगा। इस बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए माननीय श्री एन.एन. त्रिपाठी, डीसीपी ट्रैफिक सिलीगुड़ी कहते हैं, मैं बताना चाहूँगा पीछे भी किसी एक एजेंसी ने शायद पॉल्यूशन का बेंचमार्क यहाँ चेक करवाया था सिलीगुड़ी में। इसके हिसाब से सिलीगुड़ी के कुछ पोर्शंस में बेसिकली जो आपका टाउन का एरिया है जहाँ कंजेशन बहुत जाते हैं, वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल दिल्ली से भी ज़्यादा पाया हुआ है। सिलीगुड़ी में ऐसा सच कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जिसकी वजह से पॉल्यूशन, तो यहाँ बेसिकली वहीकुलर जो मूवमेंट है उसकी वजह से पॉल्यूशन यहाँ जाते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक गो क्लीन और गो ग्रीन हम लोग का एक स्लोगन दिया, जिसके ऊपर हम लोगों ने पौधारोपण वगैरह हम लोग प्लांटेशन स्टार्ट किया, और इसके अलावा इको फ्रेंडली बाइक्स हो गई, इको फ्रेंडली जो आपके कम्युनिकेशन मतलब ट्रैवलिंग व्हीकल्स हो गए उसका यूज़ अगर आप लोग करें तो वो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में इस सिटी के लिए अच्छा होगा। आसपास तो ग्रीनरी है ही शहर के, इसमें कोई संकोच नहीं, बट विद इन टाउन जो प्रॉब्लम है उसके लिए इन सब तरीकों को अपना के हम लोग यहाँ से पॉल्यूशन कम कर सकते। तो आइए इस संदेश को घर घर तक पहुँचाएँ। यकीन कीजिए, हम सिलीगुड़ी के वातावरण को तभी सुधार सकते हैं जब हम इसे अपनी जिम्मेदारी मानकर चलेंगे।